Hello everyone, this is Deepika. Welcome to R.G.A.D. Commerce classes. Now, today we are going to discuss international liquidity. It is defined as the aggregate stock of internally acceptable assets held by the central bank to settle a deficit in the country's BOP. International liquidity में basically होता ये है कि अगर किसी country के BOP में deficit आ गई, deficit कैसे आएगी BOP में? जब हमारे imports बढ़ जाएंगे, मतलब हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहे हैं, ठीक है? और export कम कर रहे हैं, higher imports and lesser export, तब हमारा BOP में deficit हो जाएगा. और surplus कब होगा? जब हमारे export बढ़ेंगे, import कम होगा. और BOP balance कब होता है? जब outflow inflow के बराबर, मतलब export import के बराबर होता है, तब balance होता है. ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ BOP के बारे में, ठीक. फिर under it all the assets, इसमें ये होता है जो assets में जिसमें हम trade कर रहे हैं internationally acceptable होंगे. मतलब ये नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर है या कोई चीज़ है जो इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक्सेप्टेबल है, वही जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है उसी एसेट्स को हम यूज़ करेंगे अपना ट्रेड करने के लिए. ये नहीं कि यहाँ पे इंडिया में एक्सेप्टेबल है, यूएस में नहीं है या जर्मनी में नहीं है, उस पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है. जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है उस पर ट्रेड करेंगे, ठीक. फिर इसमें क्या है, प्रिंसिपल कॉसेस फॉर शॉर्टेज ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. अब ज़रूरत क्या हुई इंटरनेशनल लिक्विडिटी की, शॉर्टेज क्या के बेसिकली क्या प्रिंसिपल है. सबसे पहला बीओपी डेफिसिट है भाई, डेबिट हमारा बीओपी का ज़्यादा हो गया, क्रेडिट कम हो गया, ठीक. इंपोर्ट हमने ज़्यादा कर लिए, एक्सपोर्ट कम किया, तो ये डेफिसिट हुआ. हाई टैरिफ बैरियर, टैरिफ बैरियर्स में बता चुकी हूँ क्या होते हैं टैरिफ बैरियर्स, जो हमारे ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कोटास लगाए जाते हैं, वो हमारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं. फिर एटीट्यूड ऑफ डेवलप्ड कंट्री, फिर डेवलप्ड कंट्री के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग भी कि डेवलप कंट्री में, मतलब जैसे डेवलप कंट्री वो डेवलप कंट्री के साथ ही ट्रेड करना चाहेंगी, है ना, इस टाइप की चीज़ें उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव होंगे ऑब्वियसली, तो इसलिए उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग. फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व. अब फिर क्या है लास्ट वन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल रिजर्व्स का, कि मतलब जैसे इनकम का ही होता है. एग्जांपल ले लें हम इनकम का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई है बहुत ही लो है, बहुत ही गरीब है, है ना, कि उसको खाने तक भी नहीं है, और कोई मतलब कोई इंसान होता है कि उसे, हाँ मीडियम है, और किसी के पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि उसे रखने की भी जगह नहीं है. तो मतलब यही है ना इंटरनेशनल रिजर्व्स, ये एक बेसिकली मैंने एग्जांपल दिया है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है. एक मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या, हमें ऑब्वियस है भाई डेफिसिट है, इम्पोर्ट हमने बढ़ाया है, हम चीज़ें लाए जा रहे हैं अपनी कंट्री में, एक्सपोर्ट कुछ कर नहीं रहे, तो हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना होगा और इम्पोर्ट पर मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगानी होगी, भाई इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवानी है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है. फिर एक्सचेंज रेट अपने चेंज करने होंगे ऑफिशियल्स, ठीक है, और मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसीज हमें फॉलो करने चाहिए, और बीओपी का रिडक्शन, बीओपी सब पे बीओपी के सरप्लस के रिडक्शन फॉलो करनी है, एक्सपेंडिंग इंटरनेशनल बिजनेस को फॉलो करने के लिए जो भी हमारा मॉनेटरी एंड फिनंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी पॉलिसीज बनाती है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए. ये हमारा इंटरनेशनल लिक्विडिटी, ये भी एक टॉपिक रह गया था इंटरनेशनल बिजनेस में. नाउ इंटरनेशनल बिजनेस ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, वन और टू टॉपिक आर लेफ्ट विच आई, दोज टॉपिक आई विल कवर, एंड दीज ऑल टॉपिक आर इम्पॉर्टेंट फॉर बीकॉम एमकॉम एंड एनटीएनएट एग्जामिनेशन. तो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.